सिरमौर जिले में लंपी संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और जिला में इसके लिए कई टीमों का गठन किया गया है। नाहन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उपायुक्त रामकुमार गौतम ने कहा कि हालांकि लंपी संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है, उपायुक्त ने कहा कि जिला में मौजूदा समय में 5,000 के करीब लंपी संक्रमण के एक्टिव मामले हैं, जबकि 7,000 पशु इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में संक्रमण से 800 पशुओं की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से इस मामले में सहयोग की अपील की है। लंपी स्किन डिजीज के लिए जो है वो जिला सिरमौर में भरसक इसको कंट्रोल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहले भी हमने एक जो हमारे कंट्रोल रूम्स बने हैं और एक नोडल टीम्स बनी है सारे जिला में, उनके नंबर शेयर किए थे लोगों के साथ, फार्मर्स के साथ, और दोबारा उनको शेयर किया जा रहा है। अभी जो हमारा ट्रेंड है, पहले 500 के आसपास जो है पर डे जो है हमारे केसेस जो है आ रहे थे, अब 300 के आसपास इसका नंबर आ गया, थोड़ी कम होने जा रही है। लेकिन फिर भी जो किसानों को इसमें पर जो है वो हिदायत दी गई है कि किसी के एनिमल को लगता है कि इस तरीके की डिजीज़ हो रही है, तो तुरंत जो नोडल टीम हमारी है उस इलाके की, उनसे आप कॉन्टेक्ट करें ताकि वो टीम जो है आपके घर पे आएगी और उसको जो है एनिमल को चेक करने के बाद उसमें कौन कौन से आपको उसमें जो है वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे उसको डिजीज़ को क्योर करने के, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी।